मुर्ग के चाप बनाने के लिए हमको चाहिए चिकन, सॉल्ट, कबाब चीनी पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, रोस्ट जीरा पाउडर, रेड चिली पेस्ट, लौंग का पाउडर, ग्रीन चिली, रेड चिली, लेमन जूस, गार्लिक जिंजर पेस्ट, हंग योगर्ट, और जो हमको लास्ट में चटनी की ज़रूरत है वो तिल की चटनी बना के रखी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मैरिनेशन। अब हम ये चिकन को मैरिनेशन करेंगे। ये चिकन हमारी चिकन का जो थाई पीस होता है, लेग का थाई पीस है वो है ये। इसको हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे, जिसमें हम डालेंगे रेड चिली पेस्ट, लेमन जूस, थोड़ा सा गार्लिक जिंजर पेस्ट, और इसको हम बराबर मैरिनेट करेंगे। जो हमारा जो फर्स्ट मैरिनेशन है इसको बराबर इसको मिक्स करेंगे। तो ये हमने मिक्स करके 15 मिनट रखना है ताकि वो फर्स्ट मैरिनेशन अंदर खींच लिए। उसको हम 15 मिनट साइड में रख के फिर हम इसको बाकी सेकंड मैरिनेशन करना है। सेकंड मैरिनेशन के लिए चाहिए हमको हंग योगर्ट। हंग योगर्ट ये डाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट, सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको चाहिए, कबाब चीनी पाउडर डालेंगे, हल्का सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा रेड चिली पेस्ट डालेंगे। ऐसा हमने फर्स्ट मैरिनेशन में डाला था, और ये कबाब चीनी पाउडर। तो ये हो गया हमारा सेकंड मैरिनेशन। अब इसको हम बराबर मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छा सा मिक्स किया और इसको अब हम आधा घंटे के लिए साइड में रखेंगे ताकि वो मैरिनेशन पूरा चिकन अंदर खींच ले और अच्छा सा टेंडर और जूसी हो जाए। अब इसको आधा घंटा हो गया, अब हम इसको सरिया में डालेंगे और सिकड़ी में पकाएंगे। तो ये हमको चिकन ऐसा पकड़ के ऐसा इसको चिकन इसमें सरिया में ऐसा लगाने का, ऐसा लगा के अच्छा सा ताकि वो खुला रख के पक जाए, अंदर तक पक जाए। तो ये हमने ऐसा इसमें पकाना है, इसको दो दो पीस करके लगाएं ताकि अच्छा सा पके। और ये आराम से इसको ऐसा करके ऐसा लगाएं। तो ये अच्छा सा बीच में लेके और इसको बीच में अच्छा सा पकाएं। तो अब ये इसमें पकेगा आराम से, स्लो फायर है, मस्त अंदर से कुक हो जाएगा। तो अब ये पकता रहेगा। अभी ये थोड़ा सा पकने लग गया, धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है इसका, ब्राउन हो रहा है, स्लो में पक रहा है। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल का ब्रशिंग करेंगे, थोड़ा और अच्छा अंदर तक पक जाता है ये। इस थोड़ा सा हल्का सा ब्रशिंग करके और इसका कलर भी अच्छा आ जाता है, ब्राइटनेस हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर एकदम चेंज हो गया, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है आपको। तो अब रेडी हो गया, अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। ये रहा मुर्गे चॉप आपके लिए।